हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं सुनील सिंह आपका क्विक रिवाइजर मास्टर चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th की मैथ के पहले नंबर के जो बचे हुए सवाल हैं उनको बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले का पांचवा नंबर, 7x - 2y / xy = 5, 8x + 7y / xy = 15। ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों में आप देख रहे हैं कि ये चर पद हर में लगा हुआ है। इस हर से हमको हटाना है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि 7x - 2y है, xy दोनों में लगा हुआ है बटा में, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 7x / xy, 2y / xy = 5। x से x कर गया तो कितना बचा, 7/y। y से y कट गया, कितना बचा, 2/x = 5। अब बटा में है तो मानना पड़ेगा। माना 1/y = p, 1/x = q, क्योंकि गुणा 1/y है तो इसको हम p मानेंगे और गुणा 1/x है तो q मानेंगे। तो 7 × p कितना आ जाएगा, 7p माइनस 2 × q तो कितना हो जाएगा, 2q = 5। समीकरण एक हो गया। अब दूसरा वाला जो दिया था समीकरण, उसमें नोट करेंगे 8x + 7y / xy = 15। तो इसमें हम अलग अलग करेंगे एक्स वाई को, तो 8x / xy = 7y / xy = 15। x से x कट गया, y से y कट गया, तो क्या बचा, 8/y + 7/x = 15। 1/y = p माना गया है तो 1/y p हो गया, तो 8p + 7 × 1/x है, 1/x³ माना गया है तो 7 × q यानी 7q = 15। समीकरण दो। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें विलोपन विधि से हल करके दिखाता हूँ। तो विलोपन विधि के लिए हमको किसी एक चर पद का गुणांक बराबर करना है, जैसे कि p वाला बराबर करना है तो p का गुणांक 8 है और इधर p का गुणांक 7 है, तो इस गुणांक का इसमें गुणा करा देंगे, अब इसके गुणांक का इसमें गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में, 8 का तथा समीकरण दो में 7 का गुणा कराने पर, 8 का कराइए तो 8 × 7 = 56p, 8 × 2 = 16q, 8 × 5 = 40। इसमें हमने 8 को गुणा करा दिया, 8 × 7 = 56p, 8 × 2 = 16q और 8 × 5 = 40। समीकरण दो में कराएंगे 7 का तो 7 × 8 = 56p, 7 × 7 = 49q और 15 × 7 = 105। ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। 56p दोनों को काटना है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, इसलिए हमको घटाना ही होगा। चलिए घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो लिखेंगे 56p - 16q = 40, 56p - +49q = 105। घटाएंगे तो प्लस का उल्टा माइनस और प्लस का उल्टा माइनस, 56p प्लस माइनस का हो गया
ये दोनों कट जाएंगे और 49 और 16 दोनों चिन्ह समान है, अतः ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 49 में 16 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 4 1 5 1 6 माइनस आएगा क्यों 105 और 40 दोनों चिन्ह देखिए अलग अलग है, प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों घटेंगे तो 105 से 40 घटाएंगे तो आएगा 65 और चिन्ह 105 बड़ी संख्या का, तो माइनस का है तो माइनस इसमें हम लगा देंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बराबर आएगा 65/65, ये वाला 65 बटन चला गया, 65 से 65 काटेंगे तो एक बार में कट गया, तो क्यू बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो क्यू का मान चाहे समीकरण 1, 2 में रखिए चाहे 3, 4 रखिए किसी में रख सकते हैं, तो देखिए कौन सा समीकरण ज़्यादा सरल है, यह सरल है, इसी में रख के क्यू क्यू का मान इसमें रखेंगे और पी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, तो लिखेंगे 7p-2 गुणे क्यू का मान कितना आया 1/5, तो 7p-2 = 2/5, 2 को भेज देंगे उधर तो 7p-5+2, तो 7p = 7, तो p = 7/7 आ जाएगा, 7 गुणा में है बटन चला जाएगा और फिर ये जो है 7 से 7 कर देंगे कितना गया p = 1, पी का मान भी 1 आया, क्यू का मान भी 1 आया। अब जो हमने माना था उसमें रखेंगे, तो लिखेंगे अतः 1/y = p, तो पी का मान क्या है 1, तो 1/y = 1, तो y = 1 3 6 गुणा करा देंगे, 1/x = q, तो 1/x का मान है x और क्यू का मान कितना है 1, 1/x = 1/1 तिरछा गुणा कराएंगे तो x = 1। तो x और y दोनों का मान 1 आ गया, तो लिखेंगे अतः x = 1 y = 1 आंसर। नोट कर लीजिए छठा नंबर देखते हैं, छठा नंबर है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy, दोनों समीकरण हैं। तो ये जो 6xy है इसमें हम xy को इधर भेजेंगे, बटा में आएगा और पांचों के तरीके फिर उसको काट पीट के हल करेंगे। तो लिखेंगे 6x + 3y / xy = 6, अलग अलग कर लेंगे तो 6x / xy, 3y / xy = 6, फिर x से x को काटेंगे फिर x कर गया, y से y को काट देंगे तो 6/y + 3/x = 6, मानेंगे माना 1/x = p, 1/y = p और 1/x = q रखेंगे तो 6 1/y p हो गया, तो 6p + 1/x का q, तो 6 × q यानी वो 3 × q यानी 3q = 6, समीकरण 1 हो गया। अब इसको लेते हैं तो 2x + 4y = 5xy, xy बटन लीजिए तो 2x + 4y / xy = 5, एक्स वाई दोनों को अलग अलग कर देता है, एक्स वाई दोनों को अलग अलग कर देना है, एक्स वाई दोनों में अलग अलग करिए तो 2x / xy, 4y / xy = 5, एक्स से एक्स कट रहा है तो काट दीजिए तो x कट गया, y कट गया तो 2/y + 4/x = 5, मानेंगे माने तो ये 1/y = p 1/x = q, उसे पर इसमें रख देंगे तो पूरा 1 मानिए तो 1/y p हो गया, तो 2p + 4/1x तो 4 × q 4q = 5 = 2 हो गया।
अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो P के गुणांक बराबर कर लिया जाए, तो P के गुणांक बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं ये 6P है, ये 2P है, तो समीकरण दो में हम 3 का गुणा करा देंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें गुणा नहीं कराएंगे, इसमें करा देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, घटा देंगे कट जाएगा। तो समीकरण दो में 3 का गुणा कराने पर जब 3 का कराएंगे कितना आएगा, 3 × 6P, 3 × 4 = 12Q, 3 × 5 = 15, समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 उतार लीजिए, 6P + 12Q = 15। इसको उतार लीजिए, 6P + 3Q = 6। माइनस करेंगे, माइनस प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, 6P 6P कट गया, प्लस माइनस का है, और 12Q से 3Q हटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है तो 9Q आएगा, बड़ी संख्या प्लस, 12 बड़ी संख्या है इसलिए प्लस रखे हैं, 15 + 6 घटाएंगे 9 आएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे, 9 बटन चला जाएगा तो Q = 9/9, तो 9 कट गया, तो Q = कितना आ गया, 1। Q = 1 आ गया। अब Q का मान चाहे समीकरण 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, तो समीकरण 1 रख लिया जाए, लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, तो रखिए, तो समीकरण 1 क्या है, 6P + 3 × Q = 1 क्या है, 1 = 6, तो 6P 3 × 3 = 6, 3 भेज दीजिए उधर, तो 6P = 6 − 3 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो P = 6P = 6 − 3 = 3 आएगा, तो P = 3/6 आएगा, तो 3 × 3 = 3, 3 × 6, तो P = 1/2 आया। अब इसमें रख दीजिए जो हमने माना था, अतः 1/y = P, तो 1/y = 1/2, 3 × 6 गुणा करा दीजिए तो y = 2 आ जाएगा, 1/x = Q माना गया था, तो 1/x = Q का मान कितना आया, 1 × 3 गुणा करा दीजिए तो x = 1, तो लिखेंगे अतः x = 1 y = 2, आंसर नोट कर लीजिए। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर है 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। ये जो हर में x प्लस वाई है प्लस में है तो पूरा पूरा हम मानेंगे, तो लिखेंगे माना 1/x + y = P, 1/x - y = Q। फिर इसमें रखेंगे तो 10, देखिए 10 × 1/x + y है तो 1/x + y P हो जाएगा, तो 10P हो जाएगा, प्लस ये 1/x - y है तो Q हो जाएगा, और 2 × Q यानी 2Q हो जाएगा, बराबर 4, समीकरण 1। इसमें भी देखिए गुणा 1 है, 1/x + y P है तो 15 × P यानी 15P, प्लस माइनस माइनस गुणा 1/x - y है तो 1/x - y यानी Q, तो 15 × 5 = Q यही 5Q बराबर -2, समीकरण 2। अब इन दोनों को हल किया जाए प्रतिस्थापन विधि से कि विलोपन विधि से हल करें, तो विलोपन विधि से हल करते हैं तो गुणांक इनके बराबर करते हैं, तो Q के गुणांक हम बराबर कर लें, तो Q का गुणांक बराबर करने के लिए हम इसमें 5 का गुणा करा देंगे तो 10Q हो जाएगा, और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे 2 × 5 = 10Q, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में
दो का गुणा कराने पर। तो पाँच कराइए, पंद्रह पचास भी, पाँच दूनी दस, क्यों बराबर पाँच चौके बीस। समीकरण तीन, इसमें दो का कराएंगे तो पंद्रह दूनी तीस भी माइनस दो पंजे दस क्यूब बराबर दो दूनी चार। समीकरण चार, हमको क्यू वाले काटना है तो क्यू के चिन्ह देखिए अलग अलग हैं दस क्यू के, तो दोनों को हम घर काटने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे हटाएंगे, तो जोड़ देंगे तो दोनों चिन्ह कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण तीन में, समीकरण चार को जोड़ने पर तो समीकरण तीन उठा लीजिए, पचास पी प्लस दस क्यू बराबर बीस। समीकरण तीन चार उठा लीजिए, तीस पी माइनस दस क्यू बराबर माइनस चार। चिन्ह बदलेंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो पचास तीस अस्सी पी, ये दोनों घटेंगे तो बीस चार घटाएँ कितना आएगा सोलह। क्यों घटेंगे, अलग अलग चेन की वजह से, अस्सी बटन चला जाएगा तो पी बराबर सोलह बटा अस्सी, सोलह से अस्सी कटेगा, सोलह एक कम सोलह, सोलह पंजे अस्सी, तो पी बराबर एक बटा पाँच। आप पी का मान चाहे समीकरण एक में रखें, चाहे दो में रखें, चाहे तीन चार किसी में रख सकते हैं, तो हम समीकरण एक में रख लेते हैं। तो देखेंगे समीकरण एक में पी का मान रखने पर, तो समीकरण एक उतार लीजिए, दस घोड़े पी का मान कितना है एक बटा पाँच रख देंगे, प्लस दो क्यू बराबर चार, पाँच से दस कटेगा काट दीजिए, पाँच कलम पाँच, पाँच दूनी दस, तो क्या आया दो प्लस दो क्यू बराबर चार, दो भेज दीजिए तो दो क्यू बराबर चार माइनस दो, जो माइनस हो जाएगा, और दो क्यू बराबर चार से दो घटाएंगे दो, तो क्यू बराबर दो बटा दो हो जाएगा, गुणा में है दो, बटन चला जाएगा, दो से दो काट दीजिए तो क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू बराबर एक। अतः एक बटा एक्स प्लस वाई बराबर पी माना गया था, तो एक बटा एक्स प्लस वाई बराबर पी का मान आया एक बटा पाँच। तिरछा गुणा करा दीजिए तो तिरछा गुणा कराएंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर पाँच, समीकरण इसको मान लीजिए पाँच, यह समीकरण पाँच हो गया, चार तक बन गया था। इसमें रखिए एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्यू, तो एक बटा एक्स माइनस वाई क्यू का मान कितना है एक, पीछे गुणा कराएंगे बटा एक मान के तो एक्स माइनस वाई बराबर एक। समीकरण छः, विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। समीकरण पाँच और छः को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएंगे प्लस माइनस के हैं, तो लिखेंगे समीकरण पाँच में समीकरण छः को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स जुड़ जाएगा दो, या पाँच एक जोड़े में छः, दो गुणा में है तो बटन चला जाएगा, तो एक्स बराबर छः बटा दो, दो से छः काटेंगे, दो एक नम दो, दो चाहे छः, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर तीन आ गया। अब एक्स का मान चाहे समीकरण पाँच में रखिए चाहे छः में रखिए, तो समीकरण पाँच में एक्स का मान रखने पर तो समीकरण पाँच उठा लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर पाँच, तो एक्स प्लस मान रखिए एक्स का मान क्या है तीन प्लस वाई बराबर पाँच, तीन पचहत्तर करेंगे तो वाई बराबर पाँच माइनस तीन, तो वाई बराबर दो। तो लिखेंगे अतः x बराबर तीन और y बराबर दो। आठवां नंबर देखते हैं,
आठवां नंबर है गुणा 3x प्लस y प्लस 1 बटा 3x माइनस y बराबर 3 बटा 4 और 1 बटा 2 3x प्लस y माइनस 1 बटा 2 3x माइनस y बराबर माइनस 1 बटा 8। तो इसमें जो है बटा में चार पद है तो मानेंगे माना 1 बटा 3x प्लस y बराबर p 1 बटा 3x माइनस y बराबर q रखेंगे इसमें तो ये पूरा p हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा q बराबर 3 बटा 4। 4 को इधर भेज देंगे गुणा में आ जाएगा तो 4p प्लस 4q बराबर 3। समीकरण 1 4 का दोनों में गुणा होगा, 4 का p में गुणा होगा 4p, 4 का q में गुणा होगा 4q बराबर 3। अब इसको देखिए तो 1 बटा 3x प्लस y p हो गया बटा में 2 है माइनस 1 बटा 3x माइनस y q हो जाएगा और बटा में 2 है बराबर माइनस 1 बटा 8। 2 का लासा लेंगे 2 आएगा p माइनस q ऊपर रहेगा क्योंकि 2 का भाग 1 गुणा करेंगे p एकम p और 2 का भाग 1 q एकम q बराबर माइनस 1 बटा 8। 2 को भेजेंगे उधर गुणा में चला जाएगा तो p माइनस q बराबर माइनस 1 बटा 8 गुणे 2, 2 से 8 कटेगा 2 एकम 2 2 चौके 8 तो 4 बटा में है गुणा में आ जाएगा तो 4p माइनस 4q बराबर माइनस 1। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो देखिए समीकरण 1 का क्या है 4p प्लस 4q और समीकरण 2 समीकरण 1 क्या है 4p प्लस 4q बराबर 3, समीकरण 2 क्या है 4p माइनस 4q बराबर माइनस 1। तो 4q 4q दोनों बराबर है, दोनों चिन्ह देखेंगे प्लस का है माइनस का है अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 उतार लीजिए 4p प्लस 4q बराबर 3, 4p माइनस 4q बराबर माइनस 1 जोड़ना है तो 4p 4q प्लस माइनस कहीं कट जाएंगे 4p 4p जुड़ जाएंगे दोनों 4 4 8 8p 3 में से 1 घटेगा अलग अलग चिन्ह है इसलिए 2 आएगा 3 से 1 घटाएंगे तो 2 8 बटा में चला जाएगा तो p बराबर 2 बटा 8 2 एकम 2 2 चौके 8 तो p बराबर 1 बटा 4। अब p का मान चाहे समीकरण 1 रखिए चाहे 2 में रखिए तो समीकरण 1 रख लिया जाए लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर 4 गुणे 1 बटा 4 p की जगह 4 p की जगह 1 बटा 4 हो जाएगा प्लस 4q प्लस 4q बराबर 3। तो 4 से 4 काट दीजिए 4 4 कट गया तो 1 आएगा तो 1 उधर भेज दीजिए तो 4 तो 4q बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा तो q बराबर 2 बटा 4 हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो q बराबर 1 बटा 2। तो लिखेंगे अतः 1 बटा 3x प्लस y बराबर p का मान कितना आया 1 बटा 4 इससे देख रहे हैं तो रखेंगे 1 बटा 3x प्लस y बराबर 1 बटा 4 तिरछा गुणा कराएंगे तो 3x प्लस y बराबर 4 समीकरण 1। इसी तरह इसमें रखिए समीकरण यह वाले में इसमें रखिए तो लिखेंगे 1 बटा 3x माइनस y बराबर q तो 1 बटा 3x माइनस y बराबर q का मान कितना आया 1 बटा 2 तिरछा गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 2 समीकरण। इसको 3 मान लीजिए इसको 4 मान लीजिए समीकरण 3 समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को फिर हल करेंगे तो ऊपर विधि से हल कर लेते हैं नोट कर लीजिए मिटाना पड़ेगा जगह नहीं है।
तो शनिवार 3 और 4 को हल करने से पहले देखेंगे गुणांक बराबर हैं, लिखते हैं 3x 3x वाई वाई, दोनों गुणांक बराबर हैं। अगर आप वाई काटना चाहते हैं तो वाई प्लस का वाई माइनस का है, जोड़ दिया जाएगा कट जाएंगे, समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा कट जाएंगे। यदि 3x 3x को काटना है तो दोनों की समान है तो इन दोनों को घटाना है, तो क्या करें जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। समीकरण 3 में 4 को, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर जोड़ने में वाई वाई कट जाएंगे प्लस माइनस के, 3x 3x जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 6x, और 4 2 जोड़ेंगे 6 6x बटन चला जाएगा तो x बराबर 6/6 6 से 6 कट गया तो x बराबर 1 आ गया। x का मान चाहे समीकरण 3 रखिए चाहे 4 रखिए तो समीकरण 3 रख लेते हैं, समीकरण 3 में तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 उठा लीजिए 3x + y = 4, 3 × 1 + y = 4, 3 + 3 y + y = 4, 3 + 3 + y = 4, 3 भेज दीजिए तो y = 4 - 3 घट जाएगा जाके तो y = 1 लिखेंगे, अतः x = 1 y = 1। आंसर। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर ऑन कर दीजिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करके मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और उन्हें आप देख करके लाभ प्राप्त कर लेंगे। मेरी वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।